नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज का मेरा जो टॉपिक है UGSY 103 समाजशास्त्री सिद्धांत खंड 1 इकाई 2 समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्त कांटे। आज हम अगस्त कांटे के बारे में बताएंगे और उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। अगस्त कांटे क्या हैं, कौन हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में बताएंगे। समाजशास्त्र के सर्वप्रथम हम ये जानें कि अगस्त कांटे का पूरा का नाम है। अगस्त कांटे का पूरा नाम है रेसिडोर अगस्त मेरी फैकोई जेबियर कांट। अगस्त कांट का जन्म 19 जनवरी 1798 फ्रांस का एक शहर है मॉन्टपेलियर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जैसा कि सब जानते हैं कि अगस्त कांटे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी को इन्होंने दो भाषाओं से मिलकर बनाया है, एक है सोशियो अर्थात समाज, दूसरा है एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि समाजशास्त्र दो भाषाओं का से मिलकर बना है। एक है सोशियो जिसका अर्थ होता है समाज, और एक है जो लैटिन भाषा का है, एक है लोगस जो ग्रीक भाषा का है, उसका अर्थ होता है शास्त्र। इन दोनों को मिलाकर के अगस्त कांटे ने बनाया समाजशास्त्र। इन चीज़ों को जानने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी थिंकर को, किसी भी विचारक को एक लेक्चर या एक वीडियो में पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता। सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैं ध्यान में रख करके इन बातों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त कांटे का जन्म 1798 में हुआ था। उस समय समाज की परिस्थितियों में बहुत उठा पटक था। उन्होंने उस जिंदगी को जिया है, उन्होंने ये देखा कि समाज में इतना उठा पटक है और समाज में कितना अंतर है। उस चीज़ों को उन्होंने अध्ययन किया, उस चीज़ों को जानने के लिए एक सोच उनके अंदर विकसित हुई कि एक ऐसे विषय का निर्माण किया जाए जिसको पूरी दुनिया पढ़े। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तत्कालीन अराजकता से निपटने के लिए अपने गुरु एवं मित्र, उनके गुरु थे सेंट साइमन, उनके एक तरह से मित्र भी कह सकते हैं, गुरु थे सेंट साइमन, उनके साथ उन्होंने मिल करके समाज के जो भी एक्टिविटी थी उसके लिए उसका उन्होंने जो है कलेक्शन किया, डाटा कलेक्शन किया और एक पुस्तक के माध्यम से उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश किया, जिसका नाम था प्लान ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रिकॉग्नाइज ऑफ द सोसाइटी। उसमें समाज के बारे में बताने की पूरी कोशिश किया, इसकी रचना जिसमें समाज के विषय में महत्वपूर्ण बातें कही। लेकिन दुर्भाग्य से अगस्त कांटे और सेंट साइमन का आपसी विवाद, या कह सकते कि थोड़ी सी वैमनस्यता की वजह से उनकी दोनों के बीच की दूरियां बन गई और 1824 में, उसके बाद 1825 में सेंट साइमन का मृत्यु हो जाती है। कांटे अपने अनुयायियों के साथ, अपने शिष्यों के साथ उस समय की सामाजिक परिस्थिति को ध्यान में रख करके अच्छी और सस्ती पुस्तकों को पढ़ने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन कहा कि अपनी दिमाग की शुद्धता को बनाए रखना है, जिसे उन्होंने दिमागी शुद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है, उसको उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखना होगा कि ऐसे नहीं किताबों को पढ़ लिया, गलत भी चीज़ों को दिमाग में रखा। ये सब चीज़ों से उन्होंने बचने की कोशिश किया। जैसा कि जानते हैं, अगस्त कांटे द्वारा विभिन्न पुस्तकें लिखी गई, बहुत सारी किताबों को लिखा गया, लेकिन हम इसमें बहुत जो इम्पॉर्टेंट किताबें हैं उसी को इसमें हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगस्त कांटे पॉजिटिव ऑफ फिलासफी जो 1830 से 42 के बीच में चार खंडों में लिखी गई थी, और इसमें इन्होंने तीन अवधारणाओं को दिया था, विज्ञानों का संस्करण, त्रिस्तरीय सिद्धांत और प्रत्यक्षवाद। हम किसी भी थिंकर को पढ़ते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हमें दो तीन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए, उससे एक नहीं भूमिका मुझे मिल जाती है। एक तो उनका नाम,
उनका किस समय जन्म लिया और उनके क्या विचारधाराएं थे। विचारधाराओं को जल्दी समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन जिस थिंकर को आप उनकी विचारधारा को समझ जाएंगे वो जान लीजिए कि उस विषय के आप थोड़ी सी जानकार जरूर हो जाएंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे करना है। इन्होंने जो पॉजिटिव ऑफ फिलॉसफी लिखा उसमें विज्ञानों का संस्थान टीएस ने प्रत्यक्षवाद की बात कही। दूसरी इनकी किताब है पॉजिटिव ऑफ पॉलिटिक्स 1891, कैचिए ऑफ पॉजिटिव 1892, रिलीजन ऑफ ह्यूमिनिटी 1856 में, एजुकेशन एंड सोसाइटी जो मरने के बाद इन्होंने पब्लिश हुई थी। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखा है, लेकिन मैं ध्यान में रख करके बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इसमें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अवधारणाओं की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। जैसे अब हमें हम एक तरह से अभी तक का जो हमने जानने की कोशिश की, एक तो उनका जन्म, नाम, स्थान, उनकी कौन सी किताबें और उनका कौन सी अवधारणा। अब हम आ जाते हैं अवधारणाओं पर। उन्होंने विज्ञानों का संस्थान हायरार्की ऑफ साइंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी कंपटीशन में या हमारे एग्जाम में पूछता है, ये हायरार्की करने हमको नहीं आता, इस जो हायरार्की है जो इसका क्रम है ये कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को हमें इसमें ध्यान रखना है कि कोई पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि अगस्त कांटे की हायरार्की आप साइंस का हायरार्की आप साइंस का जो है आप क्रम बताइए, तो ये हो जाता इस तरह से क्रम है। कांटे के अनुसार विज्ञानों का संस्थान किसी भी विषय की उत्पत्ति का एकाएक क्रमानुसार हुई है। कांटे का विज्ञानों का संस्थान दो नियमों पर आधारित है, बढ़ती हुई निर्भरता और घटती हुई सरलता का क्रम है। मेन हमको देखना है, पहले उन्होंने रखा गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। हम इस तरह से कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है। ये कहा है अगस्त कांटे ने, कहा मैंने कहा अगस्त कांटे ने कहा कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है। कैसे है, एक तरह से हम देखें तो ये समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक, खगोल, गणित, जब हम एक उदाहरण के तौर से समझते हैं शायद समझ में आ जाएगा कि जब हम मकान बनाते हैं जो ईंट सबसे नीचे होती है उसके ऊपर सबसे अधिक भार होता है, सबसे नीचे अधिक समाजशास्त्र है, उसके बाद जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र। समाजशास्त्र के ऊपर सभी विषयों का एक तरह से कहा जाए इसमें अध्ययन किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र एक तरह से सरल भी है और सबसे कठिन भी, बढ़ती हुई निर्भरता और घटती हुई जटिलता को इसी से हम समझ सकते हैं। अगस्त कांटे का एक अवधारणा है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म। अगस्त कांटे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है, किसी ने नहीं दिया है प्रत्यक्षवाद शब्द जो है अगस्त कांटे ने दिया है। प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक प्रक्रिया अर्थात किसी भी घटना का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद को हम समझाएं तो दो चार लाइन में नहीं, प्रत्यक्षवाद को इन्होंने एक तरह से समझाया है कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक तरीके से किसी भी घटना का परीक्षण, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष सम्मिलित है। अगर इस प्रक्रिया से चलकर किसी घटना का अध्ययन किया जाता है तो वह प्रत्यक्षवाद है। कैसे हम अध्ययन करें, जैसे किसी भी घटना का हम सबसे पहले क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, अवलोकन दूर से नहीं प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, फिर उसका हम परीक्षण करते हैं कि यह घटना कैसे घटी हुई है, फिर उसका हम छोटा सा मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करने के बाद वर्गीकरण करते हैं, तब हम किसी घटना के अंतिम पड़ाव निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये निष्कर्ष क्या है। इसे कहते हैं प्रत्यक्षवाद। किसी भी घटना का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, जो वैज्ञानिक प्रक्रिया इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें है परीक्षण, मूल्यांकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष, तब हम जा करके उस घटना का निष्कर्ष देते हैं, उसे कहते हैं वैज्ञानिक प्रक्रिया अर्थात प्रत्यक्षवाद। त्रिस्तरीय, दूसरा उनकी अवधारणा है त्रिस्तरीय सिद्धांत, तीन स्तरों का नियम, ला थ्योरी ऑफ थ्री स्टेज। अगस्त कांट मानव प्रगति अथवा मानव के बुद्धि के विकास की तीन अवस्थाएं बताते हैं। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा, तीन अवस्थाएं बताते हैं मानव के बुद्धि के विकास की, तीन अवस्थाएं बताते हैं। इनके अनुसार मानव का बौद्धिक विकास एकाएक न होकर के
कुछ स्तरों में हुआ है। इस चीज़ को हमें एकदम ध्यान रखना होगा कि मानव की बुद्धि की विकास करें। पहला उन्होंने बताया धार्मिक असर, थियोलॉजिकल स्टेज। उन्होंने कहा कि जब मानव, इनके समय को भी याद रखना पड़ेगा, 1798 के समय के बाद 1820-30 में इन्होंने वो बातें कह रहे हैं, उस समय को ध्यान रखना होगा। उन्होंने कहा कि मानव के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, वो धार्मिक प्रवृत्ति का था, धार्मिक स्तर। कोई भी घटना को व्यक्ति धार्मिक स्तर से सोचता था कि हम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर नहीं कर रहा है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई भगवान है जो वही कर रहे हैं। अर्थात व्यक्ति की, व्यक्ति या विज्ञान या तार्किक चीज़ उसके अंदर नहीं थी। उसी धार्मिक स्तर को उन्होंने तीन भागों में बांटा, जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद, एक देववाद। किसी भी घटना को जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद, एक देववाद, भगवान को उन्होंने माना, एक भगवान है, बहु भगवान है, इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की। तात्विक स्तर और प्रत्यक्षवादी स्तर, अभी प्रत्यक्षवादी स्तर को हम लोगों ने देखा, उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे कि विज्ञानों का संस्थान उन्होंने क्या कहा। धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल स्टेज, यह मानव के बुद्धि का विकास का पहला स्तर है, जो मानव के बुद्धि का विकास का पहला स्तर है। घटना को किसी धर्म से जोड़ता है, जो कि कांट इस स्तर को भी तीन उप स्तर बताते हैं। हम बताएं कि किसी भी घटना को व्यक्ति स्वयं अपना नहीं, प्रकृति भगवान को मानता था, कि कोई भी घटना हम मानव नहीं कर सकता, जो भी घटनाएं हो रही हैं वो भगवान हो रही हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उस समय का मानव एक रास्ते से जा रहा था, सड़क से, अचानक उसके आगे पेड़ गिर गया, वो व्यक्ति वहीं बैठ गया, कहा कि ये पेड़ जो है भगवान ने गिराया है और हमें रास्ता रोक रहे हैं कि आप आगे मत जाइए। तो इस प्रकृति, इस सोच का उस समय मानव था, ये कहना चाहते हैं। इस स्तर में राजतंत्र विद्यमान था, राजा को ईश्वर मानते थे, प्रतिनिधि माना जाता, समाज हिंदू न्यूनतम इकाई, परिवार तो न्यूनतम इकाई थी ही, राजा उस समय ईश्वर था, राजा जो कहते हैं बलशाली था वो ईश्वर था। तात्विक स्तर, मानव के बुद्धि का विकास का दूसरा स्तर, वो जिसमें किसी भी घटना को दार्शनिक दृष्टि से सोचने लगा। एक स्तर था जहाँ व्यक्ति जो है अपनी किसी भी एक्टिविटी, किसी भी घटना को धार्मिक स्तर मानता था, वो स्वयं नहीं सोचता था कि मैं करता हूँ या कौन करता है, वो सोचता है ईश्वर करता है, भगवान करता है, इसलिए जो है बहुत सारे भगवान हैं। दूसरा स्तर है, इसमें आया कि दार्शनिक, थोड़ी सी उसके अंदर फिलॉसफी आने लगी, सोचने लगा, सोचता था। बौद्धिक परिवर्तन होने से शासन तंत्र में भी परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा मानव का बुद्धि में विकास हुआ, उसमें थोड़ी बहुत जो है कह सकते हैं कि तार्किक चीज़ें आने लगी और समाज में अधिक तंत्र की व्यवस्था से संचालित होने लगा। लेकिन न्यूनतम इकाई परिवार ही थी उस समय भी। ये कहना इस लाइन में यह है कि जो है समाज धनिक तंत्र था और बौद्धिक परिवर्तन होने लगा, अर्थात मानव के अंदर बुद्धि में थोड़ा थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें आने लगी और वो कहीं ना कहीं जो है दार्शनिक प्रवृत्ति का हुआ और वो आगे सोचने लगा। प्रत्यक्षवादी पॉजिटिव स्टेज, यह मानव के बुद्धि का विकास का अंतिम अवस्था है। तीन अवस्था बताया मैंने, अंतिम अवस्था है मानव के बुद्धि के विकास का अंतिम एवं वर्तमान अवस्था। इसे वैज्ञानिक स्तर भी कहा जाता है। अर्थात प्रत्यक्षवाद में किसी भी घटना को वैज्ञानिक तरीके से सोचने की प्रवृत्ति मानव के अंदर विकसित हो गई। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आज वर्तमान जो स्थिति चल रही है, जो मानव आज वर्तमान में है, वो प्रत्यक्षवादी सोच के अनुसार है, अर्थात वैज्ञानिक सोच है। हर चीज़ में लॉजिक लगाता है कि कैसे घटना कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, हर चीज़ में भगवान को वो मानने महत्व नहीं देता है। अर्थात आज का जो वर्तमान समय चल रहा है वो प्रत्यक्षवादी एक तरह से है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। निष्कर्ष निकालने का प्रथम क्या, शासन के तंत्र के परिवर्तन हुआ, समाज में प्रजातंत्र का महत्व बढ़ गया, लेकिन समाज के न्यूनतम इकाई या प्रारंभिक परिवार न होकर के मानवता हो गई। अब अंदर व्यक्ति के अंदर मानवता हो गई, उस समय परिवार की इकाई नहीं, दो में तो आपने देखा परिवार ना होकर के परिवार इकाई हुआ करते, अब इसमें मानवता हो गई, मानवता के धर्म। अगस्त कांटे ने इस अवधारणा का उल्लेख अपनी दूसरी पुस्तक पॉजिटिव ऑफ पॉलिटिक्स
में किया है, जो प्रतिष्ठा व सम्मान प्रत्यक्षवाद से प्राप्त किया था उसे मानवता के धर्म द्वारा गंवा दिया। मैं इसको बता रहा हूँ, इतना समझिए। उन्होंने एक तरफ तो कहा अगस्त कांटे ने कि प्रत्यक्षवाद, दूसरी तरफ कहा मानवता के धर्म, दोनों में विरोधाभास है। एक में आपने किसी भी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन करने की कोशिश किया, दूसरी घटना में आप मानवता के धर्म अर्थात धर्म को महत्व माना कि आप कोई भी घटना व्यक्ति न करके धार्मिक प्रवृत्ति या धर्म के एक तरह से हो जाती है। इस तरह से जैसे प्राथमिक पहली स्टेज में मानव था, वो स्टेज अब खत्म हो गया है। अब आप एक तरफ दोनों चीज़ें कैसे कह सकते हैं कि मानवता के धर्म और प्रत्यक्षवाद दोनों विरोधाभास है। प्रत्यक्षवाद में तर्क होता है, सोच विकसित होती है, लॉजिक होता है, मानवता के धर्म में व्यक्ति उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है कि व्यक्ति न करके ये भगवान कर रहे हैं, इस तरह से ईश्वर बात करता है। तात्पर्य मानव द्वारा मानव की सेवा करने से है, मानवता के धर्म करें। इनका कहना है कि मानवता के धर्म का पुजारी धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि समाज में किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होंगे जिनका प्रभाव लोगों पर होगा। ये कह रहे हैं कि जो मानव वो धार्मिक व्यक्ति होगा वो कोई प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होंगे जिनका प्रभाव लोगों पर होगा। आज के समय में यदि हम देखें प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति कौन है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, इस तरह के लोग हैं। इनकी बातों को बहुत लोग सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। नेता अभी आ जाए, नेता की बात कहते हैं तो स्वीकार करते हैं। यही ये कहना चाहे प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हो पर होगा, अर्थात मानवता का धर्म का पुजारी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, राजनेता, प्रोफेसर आदि होंगे। इस प्रकार अगस्त कांटे जिनके बारे में कहा जाता है कि कभी उनके जीवन में समतल मैदान नहीं आया, अर्थात उनका जीवन कठिनाइयों से होते हुए 5 सितंबर 1857 को समाप्त हो गया। एक तरह से जितनी भी थ्योरी को हम पढ़े हैं उसका हम कंक्लूजन यदि निकालें तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त कांटे का जन्म फ्रांस में हुआ 1798 में, ठीक है। उन्होंने अपनी पॉजिटिव और फिलॉसफी में 3 अवधारणाओं को उन्होंने दिया, विज्ञानों का संस्थान, थियस्टेनियम, प्रत्यक्षवाद। हायरार्की उन्होंने बताई, साइंस, गणित, खगोल, रसायन, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र। पॉजिटिविज्म बताया उन्होंने, त्रिस्तरीय सिद्धांत भी बताया जिसमें धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद। ये कहने का तात्पर्य यह है अगस्त कांटे का कि एक प्रक्रिया, एक समय 1798 में जब उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र की नींव रखी, समाजशास्त्र के फादर कहलाए, उसके बाद की जो परिस्थिति थी उसको इन्होंने देखने की कोशिश किया कि उस समय की परिस्थिति क्या है और उसको अपने एक विषय में पिरोने की, सब रखने की कोशिश की। उस समय की परिस्थिति को हम देखें तो उस समय की परिस्थितियाँ, औद्योगिक क्रांति हुआ करती थी, औद्योगिक क्रांति में जो है लोगों को खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, चारों तरफ जो है भूखमरी, खानाबदोशी जीवन व्यतीत करता था, लेकिन वो भी एक तरह से समाज हुआ करता था। उसको इन्होंने एक अपनी पुस्तक में रखने की कोशिश की। धार्मिक, ये इसको हमने बताया कि तात्विक, ये भी मैं बता, प्रत्यक्षवाद, मानवता के धर्म, अर्थात हम ये कुल कहना चाह रहे हैं। तो कंक्लूजन ये आता है कि अगस्त कांटे एक तरफ तो प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं और एक तरफ मानवतावाद की बात करते हैं। इसी वजह से अगस्त कांटे को केवल और केवल फादर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में देखा जाता है, जबकि इनकी फिलॉसफी, इनकी सोच, इनका अवधारणा बहुत विस्तृत थी, लेकिन इन्होंने मानवता के धर्म और प्रत्यक्षवाद की जो बात कही वो दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। प्रत्यक्षवाद में मैंने बताया कि वैज्ञानिक, किसी भी घटना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जबकि मानवता के धर्म में वैज्ञानिकता का कोई पुट नहीं रहता, मानवता की बात रहती है, ऐसे समझो, ये कहना चाहते हैं। थैंक यू, नमस्कार।